हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, आपने अगर मराठी ब्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको, अभी हम लोग निकलने वाले हैं मेरे ही मतलब पुराने घर भी बोल सकती हूँ, मेरे बड़े पापा का घर भी बोल सकती हूँ। अरे यार, कितनी अच्छी हवा आ रही है, बट धूप है यार बहुत। तो हम लोग अभी वहाँ पर ही जा रहे हैं। तो एक्चुअली बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसी वजह से उनसे मिलने भी जा रहा है। यहाँ पर आई तब से मैं, वहाँ पर जाना ही नहीं हुआ मेरा। तो अभी वहाँ पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी, और आपको मैं घर भी दिखा दूँगी कि मेरे बड़े पापा का घर, मतलब जो हमारा घर है, पूछते हैं नहीं घर, तो वो कैसा है। अद्विक, हाय। माही, हाय। ये है यहाँ पर दीपाली। तो चलो, अभी निकलने वाले हैं हम लोग, तो वो भी दिखा दूंगी आज आपको, मतलब जिस घर में हम लोग पैदा हुए, जिस घर में हमारा पूरा बचपन गया, वो सारा आपको देखने के मिल जाएगा। आप तो आपको आज मैं दिखा दूंगी वो वहाँ पर जाने के बाद। तो चलिए अभी निकलते हैं। अभी निकल चुके हैं हम लोग, भाई आया है हमें छोड़ने के लिए, अभी वहाँ पर छोड़ेगा और वापस चला आएगा। वहाँ पर हमारे ना एक्चुअली दो घर है, मतलब जो हमारा पुश्तैनी घर है वो, और जिसमें मेरे जो मंझले पापा रहते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखा दूँगी। मैं तो वैसे अभी 5-6 महीने के बाद जा रही हूँ, जैसे भाई के शादी के टाइम पे आई थी ना, उस टाइम गई थी, और अभी जा रही हूँ। वो भी इतने दिनों से जाना नहीं हुआ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर पर ही रहने के लिए, मतलब मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो मन ही नहीं करता है बाहर जाने का। बट अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बड़े पापा के मेरे, तो उनसे मिलना भी हो जाएगा और सबसे मिलना हो जाएगा, तो इसी वजह से निकले अभी। कल पापा और मम्मी गए थे, पापा और मम्मी मिल के आ गए, और आज हम लोग जा रहे हैं सभी, तो मिलना भी हो जाएगा उनसे, और थोड़ा सा उधर भी जाना हो जाएगा, जो मेरे बीच वाले मतलब जो मंझले पापा हैं मेरे, उनके घर पर भी जाना हो जाएगा। तो चलिए जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा वो तो आपको दिखाई दूँगी मैं। यह है मेरे बीच वाले बड़े पापा का घर। माझे वीडियो मध्ये हाय करून दे एक वे। हाय। ये मेरी बड़ी मम्मी है, देखो कितनी दुबली हो गई बेचारी। और ये है मेरी भांजी जिसका नाम इशिका है। इशिका हाय कर बेटा। हाँ, वो शर्माती बहुत है। है ना आद्विक, नहीं शर्माता है ना आद्विक, बिल्कुल लाजत नहीं अधिकतर हो ना। हाँ बेटा, हिंदी है ना। हो हिंदी है, मला माहिती आहे, पण मी तुझ्या सोबत मराठी बोलत आहे ना, मी तर हिंदीच बोलत आहे त्यांच्या सोबत। हां, हिंदी ब्लॉग आहे ना। हो हिंदी ब्लॉग। अरे बाप रे अद्वी, वा 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 अद्वी, बरोबर माहित झालं रे तुला। हाँ हिंदी ब्लॉग आहे बेटा ये। अद्विक तो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है ना, नहीं ना, अद्विक को आदत हो गई अभी। चलो भाभी क्या कर रही है बताती हूँ आपको। पापड़ यहाँ पर फ्राई करना चल रहा है। ये है मेरी भाभी। काही नहीं होत, काहीच नसते होत, जसं आहे आपण तसंच ठीक आहे। हा काय बेटा, कुठे जायचं आहे? झुल्यावर बस बेटा, बैठो यहाँ पे, बस झूला झूलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। अखिलेश भैया के घर जाएंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। कुछ खाना है ना आपको? क्या खाना है? पापड़। खेलना है इसी के दीदी के साथ, खेलो ना फिर, कि अखिलेश भैया के साथ खेलना है, कुछ भी जो आपकी मर्जी। नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल छोड़ के चलो। अभी मामी पापड़ नहीं, मामी पापड़ फ्राई कर रही है। सादा बॉल तो ले लो ना फिर, बॉल है ना वहाँ पे।
बनो ले लेगा पापड़। यहाँ पर देवरानी जेठानी मिलके पापड़ फ्राई करेगी अब। अरे वाह छान। घेना का तू अगर तू घेना अरे तुझे साठी आणला नाही का जवाई आहे म्हणजे जवाई बच्चे आमचे इच्छे दोन लहान लेकर पाण्यामध्ये बसले देखो हम लोग आए हैं अभी हमारे पुराने घर मीन्स हमारे पुश्तैनी घर। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, मैं आपको होम टूर भी दे देती हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है और बाहर आप देख सकते हो बाहर बहुत ही छोटी छोटी गली है। ये देखो ये उर्दू स्कूल है यहाँ पे और उसके बाद ये पूरी छोटी छोटी गली है यहाँ पे आगे और ये हमारे घर के एकदम सामने उर्दू स्कूल है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अद्विक अद्विक हाय कर दो बेटा। और ये है हमारे खेत की, इसे बैलगाड़ी बोलते हैं। किस किस ने देखी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है, फिर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये लैट्रिन बाथरूम है। उसके बाद बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना घर है ये हमारा, मतलब हमने पूरा बचपन हमारा यहाँ पर ही बिताया है। तो यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बड़े पापा हैं। उसके बाद यहाँ पर घर दिखाती हूँ पूरा। ये है हमारा हॉल यानी कि लिविंग रूम जहाँ पर हम लोग खेलते थे बचपन में। उसके बाद ये तो तिकड़ से लाइट लाओ रे अखिलेश। ये ऐसे ही गेस्ट को बैठने के लिए रूम थी जो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बट ठीक है। यहाँ से ही मतलब जहाँ से हम लोगों ने एंटर की ना तो वहाँ से उसका दरवाज़ा है और यहाँ पर ये गेस्ट रूम थी, मतलब यहाँ पर गेस्ट बैठते थे, बैठक बोलते हैं ना जिसे, वो थी। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर रहते थे ना उस टाइम की बात है। और उसके बाद ये तो हॉल मैंने दिखाई दिया आपको, किचन दिखाती हूँ मैं आपको। किचन ये वाली किचन थी हमारी जब हम लोग यहाँ पर रहते थे। किचन देखो ये किचन है हमारी। आ बेटा और ये देखिए अभी भाभी ने ऐसा सजाया, मतलब बड़े पापा की जो बहू है उन्होंने ऐसा सजाया। ये है मेरी भाभी। हाँ ये अभी यहाँ पर वो ही रह रहा है ना तो इसी वजह से उन्होंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ये हमारी क्या बोलते हैं किचन हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे। और अभी यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर मतलब जो हॉल मैंने दिखाया आपको तो वो है। उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ पर जाते हैं ना तो यहाँ पर एक रूम है जो अभी खाली है, मतलब क्या भर भर के रखा है पता नहीं इसमें का है। देखो उगड़ून देखो अभी इन्होंने ऐसे ही चूल्हे वाला किचन बना के रखा है यहाँ पे। चूल्हा लाइट है क्या? लाइट असेल तो लाओ ना, मग नहीं है गई थे
लाइट नहीं है क्या? ये आप देखो, यहाँ पर चूल्हा है और चूल्हे की लकड़ियाँ वगैरह है यहाँ पे। तो एक मिनट, बस यहाँ पर पानी वगैरह गर्म करते हैं ये लोग, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये भी यहाँ पे रूम है एक, और उसके बाद यहाँ पर मतलब अभी जो गाय और यहाँ पे भैंस वगैरह बैल वगैरह है ना, उसका चारा है यहाँ पे रखा हुआ, ये दोनों रूम में। और उसके बाद ये देखो हमारा छोटा सा बछड़ा, यहाँ पर गाय बछड़े, और उसके बाद यहाँ पर बैल मारते कर रही, यहाँ पर बैल है आनी मशी बिकले का। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बैल ही ऐसे भैंस थे, बट भैंस बेच दिए बोलते अभी। और इधर छोटा सा गार्डन बना के रखा है, तो वो गार्डन भी आपको दिखा देती हूँ। ये छोटा सा गार्डन है, और यहाँ पर ये खाद जमा होता है जो गाय भैंस का है, मतलब भैंस तो अभी बेच दी बोलते हैं, रिसेंटली बेची लगता है, क्योंकि पहले तो दूध रहा करता था घर में। तो ये है हमारा पुश्तैनी घर, और ऊपर भी है, ऊपर जो जहाँ पर अभी हम लोग गए थे ना पहले स्टार्टिंग में, तो वो रहा करते थे मेरे बीच वाले बड़े पापा, और मेरे पापा सबसे छोटे हैं, तो हम लोग उधर रहा करते थे आगे वाले इसमें, और मेरे बड़े पापा इधर इसमें रहा करते थे। तो हम लोगों की तीन मतलब भाइयों की फैमिली थी ये, मतलब पापा की तीन भाइयों की फैमिली थी इसमें, तो हम लोगों का बचपन सारा इसी में गया है। अभी ये ऐसी छोटी सी बाथरूम है, यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ करते हैं। बहुत ही पुराना घर है ये, आप मतलब इसकी कंडीशन से आप देख सकते हो कि कितना पुराना होगा ये घर, और वैसा के वैसे ये कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें, कलर भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा है। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, जहाँ पर मेरे बड़े पापा रहा करते थे पहले। वही नहीं काहीच नका बनू तुम्ही, आताच तिकडनं खाऊन आलो ना आम्ही, प्लीज नका बनू, काहीच नका बनू ते। अरे पोहे बनून राहिला, अभी यहाँ पर भाभी पोहा बना रही, वहां से हम लोगों ने पापड़ खा के आए वहां से, और यहाँ पर अभी भाभी पोहा बना रही है, नाश्ता हो रहा है यहाँ पे, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है फिर भी भाभी नाश्ता बना रही है, बोलते जगह हो जाएगी आपके पेट में। तो ये यहाँ पर पोहा भिगोया जा रहा है, नहीं बस मैं सर्वो घेऊन आली ना, वही नहीं सर्वो घेऊन आली मैं। अरे दीपाली आ गई इनकी भी हेल्प करने के लिए क्योंकि छोटी है ना ये, जहाँ पर भी जाओ उसको हेल्प करनी पड़ती है बड़े जिठानियों को। तो देखो ये किचन तो आपने देख ही ली है, कुछ इस तरह से किचन है ये, बहुत पुरानी किचन है हमारी, जब हम लोग यहाँ पर रहा करते थे तब की हमारी किचन है ये। मेरी मम्मी यहाँ पे खाना बनाया करती थी, बट ये जो गैस का ये है ना स्लैब है ना, ये इधर से हुआ करता था, यहाँ से तुड़वा के यहाँ पर लगाया है। कितनी छोटी लग रही है अभी उस टाइम हम लोग यहाँ पर ही खाना खाते थे, पता है कि छोटे छोटे थे ना बच्चे, यहाँ पर दूध पीते थे हम लोग बोनविटा डाल के, और यहाँ पर खाना खाते थे, बस इतनी ही जगह बची थी ना, तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रिज रहा करता था, यहाँ पे हमारा गैस का स्लैब रहा करता था जहाँ पर मम्मी खाना बनाती थी। सारी मतलब पुरानी यादें ताजा हो गई यहाँ पे आके अब बक्तू। अरे वाह, कानाची कटिंग केली म्हणजे कानाची म्हणजे आदवी कशी आदवीने पहिल्यांदा बघितलं असेल एवढं छोट, कारण त्याने बघितलं नाही ना म्हणून त्याला आश्चर्य वाटत एकदम। भैंस नाही आहे बैल आहे, तो बैल है वो बैल, हाँ ती ती पट्टू है, ती जेंट्स है, जेंट्स लेडीज नहीं है, ती जेंट्स है, तो बैल है भैंस नहीं है बगू देखो, अरे वाह गुदगुदी होती है उसे। हाँ ये किती वर्षाच है, एक दीड वर्षाची गाय है का ती, अरे वाह, आणि ही ती गायच आहे का, अरे वा वा, चला छान चला मस्त आहे। अरे ही घर दाखवलं नव्हतं ना मी, म्हणून म्हटलं चला आपलं पुश्तैनी घर दाखवून द्यायचं ये मेरे भाई का बेटा है, अभी भाई से मिलवाती हूँ आपको,
इसे देखा होगा आपने भाई की शादी में, बहुत बार देखा होगा। गाइस घर पे पहुंच गए हम लोग। और हाँ, आपको हमारा जो पुश्तैनी घर है, यानी कि जो हमारा पुराना घर है जहाँ पर हमारी जॉइंट फैमिली रहा करती थी और हम लोगों ने जहाँ पर बचपन पूरा बिताया, वो घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक ये वाले चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।